बड़ी खबर आ रही है यूपी के बागपत से, जहां बदमाशों में खाकी का खौफ खत्म होता जा रहा है। बता दें कि बदमाशों ने बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय को गोली मार दी। इसमें संजय की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस पूरी वारदात को तीन बदमाशों ने अंजाम दिया जब वो मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। हालांकि बागपत में छपरौली थाना क्षेत्र में दिन निकलते ही हुई इस वारदात से सभी सकते में है। बताया जा रहा है कि संजय खोकर मंगलवार सुबह के लिए टहलने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान हमलावरों ने उन्हें अपना निशाना बनाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और इस घटना को लेकर स्थानीय और बीजेपी से जुड़े लोगों ने पुलिस प्रशासन से कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की। हालांकि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोकर की मृत्यु पर गहरा शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जवाबदेही भी तय की जाए। यानी कि यहां पर एक तरफ खाकी का खौफ खत्म होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे में पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और दोषी को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि दोषी कितनी जल्दी पकड़े जाते हैं। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोकर रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक पर आए थे, तो आज सवेरे कुछ लोगों ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी। हम लोग यहाँ मौके पर हैं। प्रथम दृष्टया पूछताछ में रिंसन मामला प्रकाश में आया है और वैसे तहरीर अभी नहीं दी गई है। घटना के अनावरण के लिए टीमें लगा दी गई हैं, सारी टीमें अपना काम कर रही हैं। जल्दी ही मजमू की गिरफ्तारी की जाएगी।